प्रशंसा करे तो प्रशंसा वचन को भी वो अपने में स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। एक और संस्मरण सुना दें, ये बात है संभवतः सन 2002 की बात होगी। गुजरात में सुरेंद्रनगर में, सुरेंद्रनगर जिला है, वहां तपोवन करके एक स्थान है। उस तपोवन नामक स्थान में पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज विराजते थे। वो परिव्राजक थे, एक जगह नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, पर जब सुरेंद्रनगर आते थे तो तपोवन में रुकते थे। वो भी बड़े विलक्षण संत थे। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के संस्थापक और स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज और स्वामी श्री राम सुखदास जी किसी काल में बहुत निकट थे ये तीनों। स्वामी संपूर्णानंद जी 106 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए और इतनी लंबी आयु तक उन्होंने न कोई झोपड़ी बनाई, न कोई चेला बनाया, न कोई संग्रह किया। विरक्त संत थे और 37 वर्ष तक तो पूर्ण दिगंबर रहे, किसी गांव नगर में गए नहीं, जंगलों में ही रहे 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहकर। और भगवान नाम नारायण के अतिरिक्त और किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। अपने आप जो भिक्षा आ जाए आकाश वृत्ति से वो ग्रहण करते थे। बड़े अच्छे संत थे, बहुत निर्मल निर्विकार, हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था उनका। तो जब ठाकुर जी ने हमारा उनसे संपर्क करवाया तो वे एकदम न्यौछावर हो गए। हमसे कहते थे कई बार कि स्वामी जी इतने विलंब से क्यों आए। उनको ये था कि और पहले आते तो ज्यादा संग मिलता, ऐसा था। बहुत कृपा थी उनकी। तो उनके यहां सत्संग होता था। उस सत्संग की पद्धति एकदम अलग थी। जैसे यहां तो विषय निश्चित है भक्तमाल की कथा, उनके यहां विषय निश्चित नहीं होता था। सवेरे 9 बजे से कथा होती थी तो 8 बजे मेन गेट पर ताला लग जाता था, 8 बजे, 1 घंटा पूर्व। और 1 घंटा पूर्व वहां कीर्तन आरंभ हो जाता था, फिर स्वामी जी आकर बैठ जाते थे, गीता जी का थोड़ा पाठ होता था और विष्णु सहस्रनाम का सब श्रोता बैठकर पाठ करते थे। और ठीक 9 बजे कथा, 9 बजे का मतलब 9 बजे आरंभ हो गया, तो वो आधा पौन घंटे पहले जाकर विराज जाते तो हमको भी समय से जाना पड़ता, वो विराज जाते। और कथा में जो आ गया वो बाहर नहीं जा सकता, और जो 1 घंटा पूर्व नहीं आया वो भी नहीं जा सकता। जितने लोग आ गए उतने लोग बहुत। सत्संग के प्रति बहुत आदर की भावना थी। ऐसा मर्यादित सत्संग हमने अन्यत्र नहीं देखा। हाँ, स्वामी जी के सत्संग में तो था कि ताला लग जाता था और फिर कोई आता जाता नहीं था, वहां एक ये मर्यादित सत्संग देखा। तो उस सत्संग में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज पधारे, तो उसमें सत्संग ऐसा होता था कि जब हम बैठ गए तो स्वामी जी ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते थे। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे स्वामी जी आज ध्रुव जी की स्तुति सुनाओ, आज प्रहलाद जी की स्तुति सुनाओ, कभी कहते आज कुंती की स्तुति सुनाओ, ऐसे बोलते। कभी कहते आज सत्य पर बोलो, कभी कहते आज दया पर बोलो। जब बैठ जाते तब बोलने का विषय निश्चित करते। और कैसे उनके सामने, हाँ एक विषय निर्धारित हुआ बड़ौदा के सत्संग में, 9 दिन में नवयोगेश्वर संवाद हुआ। 9 दिन तक एक ही बोले, इसी को कहना है 9 दिन तक।
बड़े अच्छे महापुरुष थे। तो वे जब आए, महाराज जी जब आए सभा में, तो एक कुर्सी पहले से लगा के रखी थी, महाराज जी का शरीर वृद्ध था। तो महाराज जी ने स्वामी संपूर्णानंद जी को प्रणाम किया, संपूर्णानंद जी ने महाराज जी को प्रणाम किया, दोनों एक दूसरे के सामने नतमस्तक हुए और महाराज जी ने संपूर्णानंद जी की ओर देखा और संपूर्णानंद जी ने महाराज जी की ओर देखा और उस दृश्य का साक्षी भाव से हमने अनुभव किया। बातचीत नहीं हुई बिल्कुल, बस एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा और संपूर्णानंद जी भी गदगद हो गए और महाराज जी भी गदगद हो गए, दोनों भावुक हो गए और अपने अपने आसन पर दोनों बैठ गए। और सत्संग में बातचीत तो संभव नहीं थी। जैसे ही सत्संग पूर्ण हुआ कि महाराज जी को पकड़कर लोग गाड़ी तक ले गए और संपूर्णानंद जी ने, हम व्यासपीठ से उतरे तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया, बोले हमको आसन तक तुम पहुंचाओ। वृद्ध थे वो भी, तो हमने उनको सहारा देकर उनके आसन तक पहुंचाया। महाराज जी गाड़ी में बैठकर चले गए। तब हमसे कंधे पर हाथ धरे हुए संपूर्णानंद जी बोले मैं अपने मन में विचार करता कि तुम्हारी आयु तो छोटी है पर कई बार बड़ी बड़ी गहराई की बातें तुम आप कह जाते हो, तो केवल शास्त्र ज्ञान से इतने गंभीर चिंतन की बात नहीं कही जा सकती और आयु कम है इसलिए कोई बहुत बड़ी साधना भी दिखाई नहीं पड़ती कि साधना के कारण अनुभूति हुई हो उससे कहते हो इस प्रकार की बात। तो हम सोचते कि कई बार बड़ी गहरी बात कह जाते हो, बड़ी अनुभूति की बात कह जाते हो, तो इतना गंभीर विचार करने की सामर्थ्य कहाँ से आई इस बालक में। आज उसका समाधान मिल गया। क्या? बोले तुम्हें सद्गुरु भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त है। ये कहा। अब हमारी समझ में आया कि श्री सद्गुरु भगवान की कृपा से आप बोलते हैं। हम तो सुनते ही रहे उनकी बात, उत्तर हमने नहीं दिया। जब वे आसन पर विराज गए तो उन्होंने कहा, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, दो बार कहा। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा, संपूर्णानंद मिथ्या भाषण नहीं करता, मिथ्या प्रशंसा नहीं करता, ऐसे संत में और नारायण में भेद नहीं है। ऐसे ही संत भगवत स्वरूप होते हैं। बस इतना उन्होंने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हम प्रणाम करके फिर चले आए। हमने ये जो उन्होंने भाव महाराज जी के प्रति व्यक्त किए थे, उन भावों को जैसे ही हमने महाराज जी के सामने जाकर निवेदित किया, तो महाराज जी को प्रसन्न होना चाहिए था कि चलो हमारी बड़ी बड़ाई इतने बड़े महात्मा ने की। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, वो दोस्त तो किसी में देखते ही नहीं हैं, उनकी दृष्टि में तो भगवान ही भगवान होते हैं, सब कुछ नारायण है, सन्यासी को नारायण स्वरूप में ही सब कुछ अनुभव करना चाहिए। तो वो जैसे महात्मा हैं सन्यासी महात्मा हैं, उन्होंने ठीक दृष्टि से कहा। पर सन्यासी तो महात्मा तो सब कोई नारायण कहते हैं, तो हम में कोई विशेषता सिद्ध नहीं हुई, ये तो उनके भाव की महिमा है, हम इस प्रकार के नहीं हैं, हम तो बहुत सामान्य मनुष्य हैं। ये बात महाराज जी ने अत्यंत गदगद होकर कही। आपको अनुभव होगा, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे हमारे वृंदावन के, उन्होंने एक बार अपने अंतरंग साधकों के बीच में सत्संग में कहा कि प्रवचन की साधुता देखनी हो तो विद्वानों की, वक्ताओं की सभा में जाकर देखी जा सकती है, किसी के भी पास देखने को मिल सकती है, पर साधुता व्यवहार में साधुता किसको कहते हैं ये देखना हो तो श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी की साधुता का दर्शन करना चाहिए। ये उन्होंने कहा। उनके निकट एक संत रहते थे श्री बनवारी शरण जी, बहुत अच्छे महात्मा थे। वो पहले तो नेत्र ठीक थे, बाद में नेत्रहीन हो चुके थे। वो एक सेवक के साथ महाराज जी के पास सुदामा कुटी में आए और उन्होंने, हम भी थे वहीं उपस्थित, उन्होंने कहा
आज तो जय जय ने ऐसी बात गदगद होकर के कही कि साधुता का दर्शन करना हो तो भक्तमाली जी की साधुता देखना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? महाराज जी बोले, वे सिद्ध महात्मा हैं, वे ठीक जानते हैं कि गणेश दास के हृदय में साधुता की गंध ही नहीं है, केवल व्यवहार मात्र साधुता का है। ये उन्होंने कहा, माने किसी भी स्थिति में अपने में कोई विशेषता भी स्वीकार ही नहीं करते थे, सर्वथा अहम शून्य थे। ये है, ये बिना दास भाव सुदृढ़ हुए संभव नहीं है। दास माने होता क्या है? दास शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? दासः शूद्र सेवकयो, कोश के अनुसार दास माने शूद्र और दास माने सेवक। इसलिए ब्राह्मण अपने को शर्मा हम कहता, क्षत्रिय वर्मा हम कहता, वैश्य गुप्तो हम कहता और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति दासो हम कहता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।